पेस्ट्रीज है, केक है, सैवरीज है, बहुत सारे ऑप्शन है। मोनिनी से अच्छी कस्टमाइजेशन की केक कहीं भी नहीं मिल सकता। ये वीडियो जहाँ पे मैं आ गई हूँ एक नए जगह को एक्सप्लोर करने, वो जगह है मोंजिनीज, जो कि एक फ्रेंचाइजी आउटलेट है। और फिर से मैं एक फ्रेंचाइजी आउटलेट को आ गई हूँ कवर करने। तो बात करूँ लोकेशन की, तो मैं खड़ी हूँ अभी भगवानपुर चौक पे, और वो सेंट्रल बैंक के नीचे में ये मोंजिनीज का शॉप है। और एग्जैक्ट लोकेशन और मैप लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं अंदर। इनोग्रेशन डे, और इनोग्रेशन पे हमें बुलाया गया है टूर करने के लिए। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये जो मोंजिनीज है हमारे मुजफ्फरपुर में, वैसे मोंजिनीज बहुत जगह है, तो मैं खड़ी हूँ अभी भगवानपुर चौक पे। बात करूँ मोंजिनीज की, तो मोंजिनीज के जो ऑनर हैं वो हैं हुसैन कौरकी वाला, जिन्होंने इस मोंजिनीज का इस्टेब्लिशमेंट किया था 1956 में, और इसको एज ए फ्रेंचाइजी आउटलेट की तरह शुरू किया था उन्होंने 1971 में। तो ये मोंजिनीज जो है तभी से बहुत ही फेमस है, और इसे सर्व किया जाता है इंडिया के अंदर वैरायटी वैरायटी के जो पेस्ट्रीज है, केक है, सैवरीज है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। और कस्टमाइजेशन की बात करो तो मोंजिनीज से अच्छी कस्टमाइजेशन की केक कहीं भी नहीं मिल सकता, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी, ये सर्व करते हैं इंडिया के साथ साथ एज ए में भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का जो भी स्पेशल चॉकलेट, सेवरीज एंड पेस्ट्रीज और केक वगैरह जितने भी, और डेकोरेशन के जितने भी आइटम्स वगैरह है, उसका एक लुक दिखाती हूँ कि ये अभी जो खोला है इन्होंने यहाँ पे भगवानपुर चौक पे, तो ये अभी इनका इंटीरियर वगैरह कैसा है और ये यहाँ पे क्या क्या सर्व कर रहे हैं। Thank you.
भगवानपुर का जोरों शोरों से तैयारी। अभी हमारे जो पूर्व विधायक है मुन्ना शुक्ला जी, जो कि लालगंज से हैं, वही इसका इनॉग्रेशन करेंगे रिबन काट के। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे हो चुका है इनॉग्रेशन, और इनॉग्रेशन होने के बाद अभी विधायक जी यहाँ से चले गए हैं और जो भी कार्यक्रम है वो हो चुका है संपन्न। तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी यहाँ पे आए। ये खुल चुका है मोंजिनीज का भगवानपुर में, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मिल गया होगा। तो ये जो मोंजिनीज है अपने चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है, और ये आज से नहीं बहुत सालों से ये यहाँ पे इंडिया में सर्व कर रहा है। और इसकी सुनने में आई है कि थर्ड जनरेशन अभी सर्व कर रही है। और यहाँ का जब मैं बताऊँ आप लोगों को, केक के टेस्ट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि मोंजिनीज की क्या स्पेशलिटी है। ये अपने आप में ही एक ब्रांड है और आप लोग भी जानते हैं। और इसके टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट इसका नंबर वन है इंडिया में। बात आती है केक की तो मोंजिनीज सबसे आगे होता है। और कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो किसी भी टाइप की डिज़ाइन हो, किसी भी टाइप का कस्टमाइजेशन हो, फोटोज़ हो, सारा कुछ हो, ये आपको देना होगा एक दिन पहले और आपको यहाँ से मिल जाएगा बनके एक दिन पहले। लेकिन आप लोगों को ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म करना होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा वो नेक्स्ट डे। और कस्टमाइजेशन और टेस्ट के में ये सबसे नंबर वन है। आई मस्ट से कि ये जो टेस्ट है ना, मैं पर्सनली, मेरे घर में कोई ओकेजन और सेलिब्रेशन होता है तो आई प्रेफर मोंजिनीज की, मोंजिनीज सबसे बेस्ट है। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि सारा कुछ अभी दिखाया, जितने भी अभी सारा कुछ हुए इसके इनॉग्रेशन डे पे, तो आज इसका इनॉग्रेशन है। जल्दी जल्दी से जो भी भगवानपुर में रहते हैं जल्दी जल्दी से आप यहाँ पे आएँ और अपने ऑर्डर्स को बुक करें। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो एक बार आप मोंजिनीज यहाँ पे ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आपने पहले मोंजिनीज नहीं ट्राई किया है तो मैं आप लोगों को 100% ये श्योरिटी देती हूँ कि आप लोगों का ये जो होने वाला है टेस्ट वो बेस्ट होने वाला है एक्सपीरियंस। तो आप लोग आइए और इसका टेस्ट का मजा लीजिए। तो गाइज अभी इनॉग्रेशन के बाद आ चुका है मेरे पास भी ये डिलीशियस सा केक, जो कि मैं आप लोगों को खा के बताने वाली हूँ कि ये कौन सा केक है और क्या इसका टेस्ट है। और टेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लोग इसके टेस्ट से वाकिफ है। और मैं बताऊँ एक चीज़ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़रूरी है कि मोंजिनीज के अंदर मिलता 100% वेज, ये वेज को ही सर्व करते आ रहे हैं आज तक। और ये आप समझ सकते हो केक को बनाना वो भी वेज में वो कितना ही डिफिकल्ट है। फिर भी इसके टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ की बात करूँ तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है इसके टेस्ट में। ये टेस्ट में एकदम बेस्ट है। और देखिए मेरे पास है अभी एक स्लाइस, आप लोगों को करके बताती हूँ टेस्ट। तो ये जो मेरे पास केक है वो है पाइनएप्पल केक। तो आप भी देख लीजिए इसका क्लोजअप लुक, और ये बहुत ही फ्रेश होता है। इसके टेस्ट मतलब एक चीज़ मैं बता दूँ, आप नॉर्मल जो बेकरी शॉप पे जाते हो और एक जो मोंजिनीज में आते हो उसके केक में आप ऑलरेडी आप देखा होगा आप लोगों ने कि कितनी डिफरेंस होती है। आप वो लोग एग भी यूज़ करते हैं फिर भी उनकी जो सॉफ्टनेस होती है इसके कंपैरिजन में मैं बताऊं कि बिल्कुल भी नहीं आती। क्योंकि इसका सॉफ्टनेस आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो आप सॉफ्टनेस, इसका जो ब्रेड है ना इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आपके मुंह में जाके ये मेल्ट हो जाता है पूरी तरीके से। तो मैं तो बहुत ही पसंद करती हूँ मोंजिनीज को, और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने केक नहीं ट्राई किया है मोंजिनीज का तो आप लोग भी आइए भगवानपुर में और आप लोग भी इस केक को टेस्ट कीजिए। ये जो बेकरी शॉप आपके ही शहर में भगवानपुर में खुल चुका है, आप भी आइए यहाँ पे ट्राई कीजिए। और आप लोगों को सच में बोल रही हूँ बहुत बेस्ट लगने वाला है। मैंने आप लोगों को दिखाया, मैं खा रही थी पाइनएप्पल केक और ये बहुत ही सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट इसका ब्रेड है। बहुत ही मजा आया मुझे खा के।
और ये तो टेस्ट मैं हमेशा करती आ रही हूँ। मेरे घर में हर सेलिब्रेशन, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई भी ओकेजन हो जहाँ पे केक की जरूरत होती है, मेरे घर में तो मोंगनीज ही आता है। ये मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे मोंगनीज का केक बहुत ही मस्त लगता है। सो गाइज, मैंने कर लिया है टेस्ट केक को और बहुत ही टेस्टी मुझे तो लगा पर्सनली। इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये बहुत केक लाजवाब होता है। लोग यहाँ पे केक वगैरह टेस्ट कर रहे हैं और जो भी यहाँ के जो सैवरीज वगैरह है वो टेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी रिव्यू ले लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो मैं पूछती हूँ उनसे कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। तो क्या नाम हुआ आपका? शिवांगी। शिवांगी, आप केक खाए हो पहले भी मोंगनीज का? खाए हो? अच्छा, यहाँ का केक खाया आपने? कुछ डिफरेंट लगा? कंपैरिजन में यहाँ का केक बहुत अच्छा था, सॉफ्ट था और टेस्टी और अमेजिंग था। अच्छा, तो मोंगनीज के बारे में बोल रहे हो कि पहले मोंगनीज का या अदर ब्रांड से कुछ बोलना चाहते हो? कंपैरिजन टू अदर ब्रांड का बेस्ट रहता है केक और खाने में भी ज़्यादा सॉफ्ट अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसके ब्रेड बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रेड जो है आपके मुँह में जाते ही मेल्ट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू शिवांगी। सो क्या नाम है आपका? सचिन। यहाँ पे आपने केक टेस्ट किया, और जगह भी केक खाया होगा, तो क्या डिफरेंस लगा? अच्छा था, टेस्टी था, क्रीमी था। जैसा कि आपका केक जो है वो ही बहुत, और किसी भी केक का जो स्पेशलिटी होता है वो है केक की सॉफ्टनेस, उसी से आप पहचान सकते हो कि उसका केक का क्या मतलब टेस्ट होगा। तो यहाँ का केक जो है वो तो उसमें टेस्ट अलग सा ही होता है। जैसे कि ये प्लेट है वो फ्रेंचाइजी आउटलेट है, तो इनके किसी भी फ्रेंचाइजी आउटलेट में आप चले जाते हो तो टेस्ट में आपको वही सेम टेस्ट मिलेगा, और सॉफ्टनेस की तो अल्ट्रा सॉफ्ट है। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को मिलाती हूँ यहाँ के ऑनर से, जिन्होंने यहाँ इस आउटलेट का फ्रेंचाइजी लिया है, वो है यहाँ के तीन पार्टनर, तो उनसे मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मेरे साथ फ्रेंचाइजी आउटलेट को लिया है, वो मेरे साथ है। तो पहले अपना नाम बता दीजिए आप लोग। आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मोंगनीज के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपका जो ये मोंगनीज है दिन दुगना और रात चौगना तरक्की करे। और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो गाइज, मेरी वीडियो आज के लिए तक थी, तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।